आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। पॉक्सो से जुड़े हुए मामले में किस प्रकार से बेल प्राप्त कर सकते हैं, ये अधिकतर लोगों के सवाल थे। आपके इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपसे एक जजमेंट शेयर करूंगा, और अभी मैं ये जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं ये इसी पर आधारित है कि पॉक्सो के मामले में बेल किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, और अगर आपके भी केस के कुछ फैक्ट इस केस से मिलते जुलते हैं तो आपके लिए भी एक उम्मीद है कि आपको भी जल्दी बेल मिल सकती है। तो साथियों, आज आपसे मैं जिस मामले की चर्चा कर रहा हूँ, ये मामला है राम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के नाम से। इस मामले में आरोपी के खिलाफ 363, 366, 376 IPC की धाराएं, इसके अलावा पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 5 और 6 ये धाराएं लगाई गई थी। ये वो धाराएं होती हैं, सामान्यतः अगर मैं आपको बता दूं तो जहां पे कोई नाबालिग लड़की है और अगर वो अपने माता पिता के संरक्षण से गायब रहती है, अगर सामान्य भाषा में कहें तो अगर लड़की बिना बताए घर से कहीं चली जाती है और वो नाबालिग है, उसके बाद उसका सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है किसी दूसरे व्यक्ति से, तो उस कंडीशन में अमूमन पुलिस के द्वारा यही धाराएं लगाई जाती हैं, 363, 366, 376 और पॉक्सो का 5 और 6। तो साथियों, इस मामले की भी शॉर्ट में स्टोरी कुछ ऐसी ही थी कि लड़की के पिता ने FIR दर्ज करवाई। उनका ये कहना था कि वो कल रात को जब सोने गए तो उनकी लड़की घर पे ही थी, उसके बाद जब सुबह वो पाँच बजे उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी बच्ची घर में नहीं है। इसके बाद उन्होंने ये कंप्लेन दर्ज करवाई, उसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया। इसके बाद मामले में चार्जशीट पेश की गई। अब साथियों, कोर्ट में जो दलील दी गई इस मामले में जमानत के लिए, आप वो सुनिएगा। सबसे पहली दलील ये थी कि चार्जशीट फाइल हो चुकी है। चार्जशीट फाइल होना अपने आप में भी एक कह सकते हैं कि एक ये ग्राउंड होता है इस बात के लिए कि बेल दे दी जानी चाहिए, क्योंकि चार्जशीट फाइल हो गई इसका मतलब कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर लिया है। दूसरा, इसमें बताया गया कि अब कोई कस्टोडियल इंटरोगेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पुलिस के द्वारा चार्जशीट फाइल कर दी गई है। तीसरी दलील दी गई कि इस मामले में ट्रायल लंबा चलने की संभावना है, तो ये भी एक ग्राउंड होता है कि अगर ट्रायल लंबा चलेगा तो प्री ट्रायल कस्टडी, एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये जैसा हमारे लॉ में कहा जाता है कि दैट इज एनाथमा टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, मतलब ये जो लोग किसी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके लिए उसका एक हनन है। अगर किसी को दोषी साबित किए बगैर, किसी के बारे में अपराध प्रमाणित किए बगैर अगर आप उसको लंबे समय तक जेल में रखते हैं तो दैट इज एनाथेमा टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, उसकी स्वतंत्रता का उल्लंघन है, तो ये भी एक ग्राउंड होता है। और इसके अलावा एक मेन ग्राउंड था जो कि अधिकतर मामलों में ऐसा होता है कि इस मामले में लड़की ने अपने 164 के स्टेटमेंट में ये एक्सेप्ट किया था कि सी हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द एप्लीकेंट विद हर परमिशन, मतलब उसने ये कहा था कि उसका जो इस केस में जो आरोपी है, जो आवेदक है इस बेल एप्लीकेशन का, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ था, वो भी उसकी परमिशन से। ऐसा लड़की ने अपने 164 के स्टेटमेंट में एडमिट किया था, तो अपने आप में भी एक ये ग्राउंड होता है। लेकिन अगर लॉ पॉइंट से देखा जाए तो 18 साल से कम की चुकी आय, उसकी जो एज है, इस वजह से उसका कंसेंट देना या ना देना वो वाइड है, शून्य है, उसको कोई मतलब नहीं है। सी इज़ नॉट एलिजिबल टू गिव हर कंसेंट, तो इस प्रकार से अगर उसने भले ही कंसेंट दे दिया हो, उसने भले ही खुद की सहमति से किया हो, उसके फिजिकल रिलेशन खुद की सहमति से थे, लेकिन उसकी कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है। ऑल्दो ये जो फैक्ट है, हो सकता है कि ये ट्रायल के दौरान एडमिसिबल ना हो, ट्रायल के दौरान इसका फ़ायदा ना मिले, लेकिन बेल के दौरान कोर्ट हर फैक्ट को देखती है और उसमें देखती है कि किसी भी आरोपी को बेवजह इस तरह से लंबे समय तक जेल में डाले रहना उचित नहीं होगा। तो इस प्रकार से कोर्ट के समक्ष ये दलीलें प्रस्तुत की गई। कोर्ट ने जब इस मामले को देखा तो कोर्ट ने ये पाया कि इस मामले की जितने भी फैक्ट हैं, कोर्ट अधिकतर ऐसे मामलों में कोर्ट के द्वारा लिखा जाता है विदाउट कमेंटिंग ऑन मेरिट, इसका मतलब है कि बिना केस के गुण दोष देखे हुए, मतलब बिना सारा केस स्टडी किए हुए प्राइमा फेसा ऐसा समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आरोपी को बेल का लाभ दिया जाना चाहिए, वो इस केस में भी ऐसा ही हुआ। और कोर्ट ने ये माना कि अगर जब तक कि आरोपी का अपराध प्रमाणित नहीं हो जाता है तब तक उसको जेल में रखना एक प्रकार से उसकी जो लिबर्टी है उसका उल्लंघन होगा। तो इस प्रकार से ऐसा कहते हुए कोर्ट ने आरोपी को बेल ग्रांट कर दिया और 50,000 का के मुचलके का आदेश देते हुए कुछ टर्म कंडीशन बताई,
कोर्ट के द्वारा हमेशा जब भी बेल ग्रांट की जाती है कुछ ना कुछ कंडीशन बताई जाती है, और कोर्ट का ये कहना होता है कि जितनी भी कंडीशन है जो भी इम्पोज की जा रही है हाई कोर्ट के द्वारा, उन सभी का पालन करना आरोपी के लिए जरूरी होता है। अगर उसका आरोपी उल्लंघन करता है तो उस कंडीशन में इसकी बेल कैंसिल की जा सकती है। तो इस प्रकार से ऐसा कहते हुए कोर्ट ने आरोपी को बेल ग्रांट कर दिया। तो साथियों आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार से अगर पाक्सो का जो मामला है अगर उसमें 164 का स्टेटमेंट आपके फेवर में है तो भले ही वो लड़की कंसेंट देने के लिए एलिजिबल नहीं है, उसके बावजूद भी इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं आपको मिलता है। ट्रायल के दौरान भी मिल सकता है और बेल में मिल सकता है। इसके अलावा चार्जशीट फाइल होना भी अपने आप में ग्राउंड होता है, और जो प्री ट्रायल इनकार्सेशन होता है, ट्रायल के पहले की जो सजा होती है उसको भी प्रकार से अभिशाप माना गया है हमारे लॉ में, कि जब तक कि किसी व्यक्ति का आरोप प्रमाणित ना हो जाए तब तक उसको जेल में लंबे समय तक रखना ये ठीक नहीं है। तो इन आधार पे कोर्ट ने यह माना कि यहाँ पे कोई ऐसा इंटरोगेशन की भी ज़रूरत नहीं है, और ऐसा भी स्पष्ट नहीं है कि आरोपी किसी प्रकार से जो गवाह हैं जो विटनेस हैं उनको प्रभावित करेगा। तो इस प्रकार से कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को बेल ग्रांट कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपका भी कुछ जो मामला है और केस के जो फैक्ट है कुछ मिलते जुलते हैं तो आप भी इस तरह के जो जजमेंट हैं इनका फ़ायदा ले सकते हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं, और आर्गुमेंट के दौरान इसमें जो फैक्ट बताए गए हैं आप उनको भी रख सकते हैं। धन्यवाद साथियों।